हाँ ऐसे, हाँ प्यार कर दीजिए। गुड बॉय है ना अमिताभ, गुड बॉय है, गुच्छा नहीं होते। हाँ इस समय डॉगिटाइजेशन आपको रिपोर्ट कर रहे हैं इंदौर शहर के पीटीसी इलाके से। पीटीसी इलाके में पिछले 10 दिन पहले एक लड्डू बाबू, ये देखिए आप वो जाते हुए, उनकी हालत देखिए, उनकी टांग टूटी हुई है और 10 दिन हो गए हैं कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पकड़ने के लिए राजेश जी ने 2-3 बार ट्राई करा, जब भी पकड़ने के लिए ट्राई करा वो डर के मारे भाग गए। हम आपको इस वीडियो में एक चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि जब भी कोई डॉग बीमार होता है, घायल होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, शायद वो वहाँ जाके खाना खाएंगे तो ऐसे झाड़ियों में छुप जाते हैं, आप वहाँ जाइए वहाँ खिला दीजिए। वो खाना खाने के लिए आए हैं और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि राजेश भैया जा कर के उसे दूध और दवाई दे रहे हैं, ये देखिए। हम यहीं रुकेंगे क्योंकि हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, वो डर के मारे। सब बेसिकली हम ये पॉइंट यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि जब कोई डॉग बीमार होता है, आप यदि उसका रेस्क्यू करना चाहते हैं, आप उसे पकड़ के उसका इलाज के लिए शेल्टर कहीं भेजना चाहते हैं, जब तक वो होगा तब तक होगा, लेकिन इस बीच आप उस डॉग को दवाई दीजिए, पेन किलर दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए डॉक्टर से पूछकर, क्योंकि ऑन स्पॉट यदि आप उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं करेंगे तो उसकी तबीयत कितनी ख़राब होती जाएगी, दिन पर दिन वो तबीयत बिगड़ती जाएगी, उसका घाव बिगड़ता जाएगा। तो एटलीस्ट जब तक डॉग कैच नहीं होता है तब तक ऑन स्पॉट दवाई दीजिए, एंटीबायोटिक दीजिए, पेन किलर दीजिए और फिर कोशिश कीजिए। हम यहाँ पर बात करते हैं राजेश भैया से। राजेश भैया, किस तरीके की तकलीफ आ रही है आपको इस डॉग को पकड़ने में, मदद करने में, कितने दिन हो गए? अब हमारा काम डेली का नहीं है तो हम हैबिचुअल हैं नहीं, एक बार पहले जनवरी में भी काट चुका है जब 1.5 महीने का था जी, तो फिर इंजेक्शन लगवाए थे और अभी भी जो 10 दिन से जो है 3-4 बार इसको पकड़ने की कोशिश करी, अब मेरे से भी डरने लग गया, ये भाग जाता है। हाँ। पहले आ जाता था पास में, हाँ। अब इसको दवाई खिलाने के लिए या दूध पिलाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए लगे रहते हैं। तो आप ये बताइए कि आप क्या मैसेज देंगे जो भी रेस्क्यू कर रहे हैं इतने दिनों से, उनके लिए कि मतलब एक कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, स्मार्ट सिटी होना, खाली इंसानों के लिए स्मार्ट सिटी थोड़ी है, सभी के लिए दया भाव प्रकृति में सभी लोगों के प्रति सभी लोगों को रखना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग सब नहीं कर पाते, लेकिन इनकी गिनती मैं जो समझता हूँ 0.001% भी नहीं है जी। तो इसलिए जो है ऐसा होता है, कई लोग दया भाव रखते हैं लेकिन आज समय के अभाव में वो भी भाग जाते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, रिसोर्सेस के अभाव में, हेल्पलाइन नंबर के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में, कैचर्स के अभाव में, कई लोग चाहने के बावजूद भी मुंह मोड़ के मन कसोट करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि किधर फोन करके कैसे इसको रेस्क्यू करा जाए। सुन रहे हो ना तुम अमिताभ, तुमको हमारी बात समझ में आ रही है तो जरा इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ कि लड्डू बाबू के लिए एक हेल्पलाइन नंबर यदि नहीं बनेगी तो लड्डू बाबू का इलाज कैसे होगा? वो तो बोल ही नहीं सकते हैं, उनके पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, उनके पास ज़ुबान भी नहीं है और उनके पास ये समझ भी नहीं है कि यदि उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। तो ये मानवता के नाते हर इंसान का फ़र्ज बनता है कि ऐसे कोई घायल जानवर को देखे तो मदद के लिए आगे आए, और ये प्रशासन का फर्ज बनता है कि घायल जानवरों के लिए एनिमल हेल्पलाइन नंबर का गठन करा जाए, एम्बुलेंस का प्रोविजन रहे, कैचर्स के साथ में क्या दिक्कत है? कैचर्स भी वहाँ से पकड़ के लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? जीपीओ से। आपको खुद को लाना पड़ता है? 10 मिनट रुकते हैं जी, अगर नहीं मिलता हाँ तो चले जाते हैं। अब इनके लिए तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है जी, कि कैसे भी उसको पकड़ा जाए और उसको इलाज के लिए ले जाए। वो तो यही समझता है ना कि मेरे को मारने के लिए पकड़ रहे हैं जी, यहाँ मेरे को मतलब कहीं ले जाके मार डालेंगे, ऐसा समझते हैं। तो इसलिए अब ये जैसे अभी आया, अभी इसका पेट भरा है इसलिए रुका नहीं, भाग गया और यहाँ 3-4 जनों को देख के भी डर गया। तो अभी आप साथ में दवाई लाए हैं? दवाई भी लाया हूँ, पनीर भी लाया हूँ, पनीर के अंदर दवाई को मिक्स करके फिर खा लेते हैं ये जी।
अभी जैसे इसको 4 दिन दवाई थोड़ी बहुत मिली है, हाँ। उससे इसकी रिकवरी अच्छी हुई है जी। वैसे तो ये लार से अपने को चाट के कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा जख्म होता है तो फिर लार से नहीं होता है। अच्छा एक बात है, उसकी जो घायल अवस्था मैंने आज पहली बार इस डॉग को देखा है, तो इसका शायद टांग का फ्रैक्चर हुआ है। और ये सब्जेक्ट के अंदर में मैं फॉलोअर्स को ये सिखाना चाहती हूँ कि जब भी कोई स्ट्रीट डॉग का फ्रैक्चर होता है, आप या इनफैक्ट कोई डॉग का या कोई इंसान का किसी का भी फ्रैक्चर होता है, जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाकर के पट्टा चढ़वाएंगे, उसको इलाज के लिए पहुंचाएंगे, उतना जल्दी हड्डी का रिकवरी होगा। जितना लेट करते जाएंगे उतने चांसेस वीक होते जाएंगे। जी, जी। तो अब 10 दिन तो हो चुके हैं, हमें नहीं पता कि इसकी टांग फाइनली सुधर पाएगी या इसकी टांग काटनी पड़ेगी या जिंदगी भर ताँ उम्र ये 3 पाँव पे चलता हुआ 4थे पाँव को उठा के चलेगा। तो हमारा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, इंदौर के PTC इलाके के गेट नंबर 2 पर एक घायल जवान जो अभी पपी ही है, वो शायद 3 महीने का है, उसने अपनी जिंदगी के 15 साल देखने हैं, तो उसके फ्यूचर के वास्ते प्लीज़ उस पपी को रेस्क्यू करके इलाज के लिए लेकर जाइए, तब जाकर के हम समझेंगे कि हमारा इंदौर शहर सही मायने में स्मार्ट सिटी है। क्योंकि स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम से नहीं बनती है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट डिसीजन से बनती है। जय हिंद, जय भारत।